ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਮਾਜ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕੋਲ ਕੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਲਕਾ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਰਹਾ ਔਰ ਕਿਆ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ? ਦੇਖਿਆ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀਯ ਮੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਦਲਿਤੋਂ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ,
लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करके दिखाया। इन्होंने ये दिखा दिया है कि हम हमें सिर्फ इनकी वोटों की ज़रूरत है, अगर जब भी हमें मौका मिलेगा तो इनके ऊपर हम भी कभी अपना जो वार है वो नहीं छोड़ेंगे। और इन्होंने देखिए कितनी चलाकी से जो है सतगुरु रविदास महाराज जी के 510 साल पुराना सतगुरु जी का ऐतिहासिक जो मंदिर था, वो मंदिर ऐसा है जी कि सिकंदर लोधी जो था उस टाइम का राजा, उसने वो सतगुरु रविदास जी का शिष्य था, उसने अपना सतगुरु रविदास महाराज जी को वो जगह दी थी मंदिर बनाने के लिए, और वो जगह काफ़ी बहुत अरबों खरबों की वो जगह थी जिनके ऊपर बहुत देर से मनुवादियों का जो है ध्यान था। और उन्होंने सोचा भी ये लोग जो हैं ये ऐसे ही हैं, इनके ऊपर जितने मर्जी जुल्म करते रहो, ये बोलेंगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो लेकिन जो आज का जो 85% मूलवासी समाज जो हमारा है, जो पूरे भारतवर्ष में हर जगह बैठा हुआ है, और वो अब चुप नहीं रहेगा, क्योंकि पहले इन्होंने देखिए EVM जो है उसको बड़ी चालाकी से जो है EVM को लागू किया, बहुत विरोध भी हुआ EVM के ज़रिए, उन्होंने वोट जो है दलितों के वो सारे चोरी करके, और जो अपनी केंद्रीय में सरकार बनाई, और केंद्रीय में सरकार बनते ही मोदी जी ने और पूरी केंद्र की सरकार ने वहाँ पर ये जो गुरुदास जी का मंदिर ढाया गया है, ये उन्होंने एक ट्रायल किया है। ट्रायल कैसे हुआ कि ये राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कितने सालों से चल रहा था, ठीक है, वो मुद्दा कितने सालों से चल रहा था, वो मुद्दे पे डिसीजन नहीं दिया, अभी तक डिसीजन नहीं आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन जो डिसीजन उन्होंने गुरुदास जी के मंदिर के ऊपर दिया भी, इसको तोड़ के इसका ट्रायल किया जाए, वो देखते हैं कि दलित समाज जो है वो उठता है नहीं उठता है। तो उसके बाद जो है ये हो सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से चलाकी से ये उसका भी फैसला दिलवाए कि जो राम मंदिर जो है उसको बनाए और मस्जिद को उठा दिया जाए। और ये जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने हमेशा भारत के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं करके दंगा फैलाया है, अराजकता फैलाई है। तो पर लेकिन जो भी है, मैं अपने रविदास भाईचारे की ओर से विनती करता हूँ, 85% मूलवासियों समाज की ओर से विनती करता हूँ मोदी सरकार जी को, केंद्र सरकार जी को, केजरीवाल जी की सरकार जी को, कि जिस तरह जो मंदिर ढाया गया है उसको दोबारा जल्द से जल्द सुंदर तरीके से बनवाया जाए, ताकि क्योंकि इस मंदिर ढाने से हमारे दिल की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँची। तो प्रशासन को आपने मैमोरेंडम दिया, प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हमारा पूरा साथ दिया आज, और जैसे कांग्रेस की पंजाब में सरकार है उन्होंने भी हमारा साथ दिया। तो ये है कि हम तो फिर भी यही मांग करेंगे, हम बहुत अमन पसंद शांतमय लोग हैं, हमारे ऊपर जुल्म बार बार ना करें, क्योंकि अगर जो है भारत के 85% मूल निवासी अगर अगर थोड़ा सा भी अगर खड़क गए तो फिर जो है केंद्र की सरकार बचेगी नहीं। और इसी के साथ मैं जय भीम जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।